नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रवि डंडोरिया, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। ट्विटर पे हुआ घमासान युद्ध, सरदार पटेल और नेहरू हुए जिंदा। जी हाँ, सरदार पटेल की भूमिका क्या थी और उनका पहले कैबिनेट में क्या पद होना था और नेहरू क्या ये चाहते थे या नहीं चाहते थे, इसे लेकर एकदम ट्विटर पर युद्ध छिड़ गया। फॉरेन मिनिस्टर ने इसके ऊपर पहले ट्वीट किया और उसके बाद में बैक टू बैक इतिहासकार से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ट्वीट आते रहे। हम आपको बता दें, जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका सबसे पहले ट्वीट आया। उन्होंने बीते दिन एक बुक की लॉन्चिंग करी, एक बुक के विमोचन में वो गए जो कि बीपी मेनन की बुक थी। बीपी मेनन की जो बुक थी, बीपी मेनन एक वरिष्ठ और एक सहायक थे पटेल के टाइम पे। पटेल की उस बुक के लॉन्चिंग के बाद में फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया, लिखा कि नेहरू नहीं चाहते थे कि पटेल कैबिनेट का हिस्सा हो और वो कैबिनेट में आए, पर उसके बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए मैदान में और इतिहासकार भी कूद पड़े। इतिहासकार पीछे कैसे रह सकते हैं जब ये हिस्ट्री की बात हो रही हो। तो मशहूर इतिहासकार रामचंद्र ने उसके बाद रिट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि एक फॉरेन मिनिस्टर का काम झूठी अफवाहें और झूठी खबर फैलाने का नहीं होता। उसके बाद में फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया, इसी घमासान युद्ध के बीच में कूद पड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश। जी हाँ, जयराम रमेश ने फिर उसके बाद में ट्वीट किया, उन्होंने कहा और उन्होंने एक पत्र के साझे से एक अपना ट्वीट शेयर किया और उसमें लिखा उन्होंने कि नेहरू ने पटेल को सबसे उच्च स्तर दिया कैबिनेट के अंदर और सबसे पहला नाम कैबिनेट के अंदर पटेल का ही था। उन्होंने जो लॉर्ड माउंटबेटन को दिए पत्र में, रमेश ने अपनी एक ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने एक फोटो डाला। उस फोटो में उन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर किए जो कि 19 जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को दिए गए थे। उनमें सबसे पहला नाम कैबिनेट की लिस्ट में पटेल का ही था और उन्होंने बोला नेहरू हमेशा से ही चाहते थे कि पटेल कैबिनेट की लिस्ट में सबसे पहले रहे। घमासान युद्ध छिड़ गया है ट्विटर पर और भी कई सारे रिट्वीट होंगे, हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। ऐसी नई नई खबरें जानने के लिए देखते रहिए मुझे देश ऑनलाइन पर। मैं हूं रवि डंडोरिया, चाहिए हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।